નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમારા સૌનું સપ્તઋષિ સંકુલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ છ વિષય હિન્દીમાં પ્રકરણ ત્રણના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જોઈશું આપણે આગળ આ પાઠની સમજૂતી મેળવી ચૂક્યા છે તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર પોતાની નોટબુક પેન્સિલ અને પુસ્તક લઈને બેસે तो अभ्यास प्रश्न की शुरुआत करीशू मित्रों पहलो प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों बताइए तो पहलू वाक्य है मित्रों माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा के रहूँगी तो आ वाक्य मित्रों नन्ही बतक ने उसकी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की बुरी आदत छुड़ाना चाहती थी बीजू जोसु मित्रों क्या करूँ डंक मारना मेरा स्वभाव है तो आवाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मारा था तीजू जोसु मित्रों तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो आ वाक्य लखीश आप वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी चौथों लख मित्रों भलाई करना मेरा स्वभाव है उत्तर यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी पाँचव जो ये मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो पाँचवा छ मित्रों ये वाक्य बिच्छू ने नन्नी से कहा क्योंकि बिच्छू ने नन्नी से कहा क्योंकि नन्नी से विश्वासघात पर उसे बहुत पछतावा हुआ था अगर जोसु मित्रों तुम नन्नी की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते सोच कर कहिए तो ये उत्तर लखीश मित्रों डंक मारना बिच्छू की आदत है जिसने इसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है नन्ही स्वभाव की अच्छी है वह समझदार और उदार है उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है तो फक्रपाड़ी नीचे लग मित्रों बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्नी की तरह बर्ताव करता बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है तो हमें आप સ્વાધ્યાયના કેટલાક પ્રશ્ન જોઈશું તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી સાથે લખતા જાય પહેલું છે પ્રશ્ન નન્ની કોણથી તો એનો ઉત્તર લખીશું નન્ની એક બતકથી બીજો પ્રશ્ન જોઈએ મિત્રો બિચ્છુ કહા ફસ ગયા થા તો ઉત્તર લખીશું બિચ્છુ दलदल दल में फंस गया था तीजु बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ उत्तर तो लिखिए मित्रों बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि दो बार जीवन देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था चौथु जो है मित्रों नन्ही ने क्या निश्चय किया तो उत्तर लखीश नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी पाँच जो ये नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया तो उत्तर लखीश बिच्छू दलदल में फंस गया था उसने नन्ही से प्रार्थना की बहन मुझे बचा लो नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया छठो जीसु मित्रों छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्नी से क्या कहा तो उत्तर लखीसु मित्रों बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्नी से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा प्रश्न मित्रों नन्नी ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा तो उत्तर लिखीशू नन्नी ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी पची स्वाध्यायनों प्रश्न बेजोईसू मित्रों घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए तो पहलू नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई ब नन्ही अपनी माँ के पास चली गई नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया ड नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा પછી જોશું ઈ બિચ્છુને નન્નીકો ડંક માર દિયા તો આપણે એને સાચા ક્રમમાં લખશું પહેલું આવશે ડ નન્નીને બિચ્છુકો દળદળ મે ફસા ہوا દેખા આવશે નન્ની બિચ્છુકી આવાજ સુનકર દોડતી આ ગઈ ત્રીજો આવશે नन्नी ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया चौथों अवसर मित्रों बिच्छू ने नन्नी को डंक मार दिया पांचमु नन्नी अपनी माँ के पास चली गई हमें आग जो ये प्रश्न त्र તો મિત્રો પ્રશ્ન ત્રણ જોઈશું ઇકાઈ પાંચ સંજ્ઞા શબ્દ ઢૂંઢીએ ઓર ઉનકા મેં પ્રયોગ કીજીએ તો ઉદાહરણ આપણને આપેલું છે બિચ્છુ તો દલ દલ મેં ફસ ગયા થા તો આપણે બીજું લખશું નન્ની तो नननी नो वाक्य प्रयोग करिशु नननी एक बतक थी बिजू स्थान तो मुंबई में देखने लायक कई स्थान है त्रीजू लिखिए मुसीबत तो मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की

ત્યાં સુધી તમે આ પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરતા રહેજો અને તમારી નોટબુકમાં લખતા રહેજો અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત